कितने लोग हिंदी समझते हैं? हिंदी सब लोग समझते हैं, इंग्लिश ओके। मेरा नाम विक्रांत आनंद है और हम लोग मुंबई से हैं और खुशी मेरी वाइफ है और हम लोग प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए और प्रशांत जी को और बिगजे टीवी का 10th एनिवर्सरी है तो हम दोनों की बहुत सारी शुभकामना है और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 100 साल तक एनिवर्सरी बनती जाए और ये चैनल पूरे देश में विदेश में नंबर वन हो और इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के राज्य में आए। आने वाले दिनों में बड़े बड़े पॉलिटिशियन चैनल प्रोग्राम देख के विश्वासी हो, एक्टर्स विश्वासी हो, बिजनेसमैन विश्वासी हो और जो बिगजे टीवी देखेगा वो टीवी देखते देखते उसे चंगाई मिले, लंगड़ा दौड़ने लगे, अंधा देखने लगे, मुर्दा डेड बॉडी पड़े, टीवी चल रहा है तो मुर्दा उठ के बैठ जाए, ऐसे ऐसे मिरेकल्स होना चाहिए। ये जब तक संभव नहीं है जब तक आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। तो आप लोग, प्रशांत जी, उनकी टीम, कैमरामैन, एडिटर, हम लोगों को पता है बहुत मेहनत करते हैं लोग, और इन सब टेक्नीशियंस, जितने टीम है, उनकी फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए और मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और डेफिनेटली ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में उडुपी हिस्ट्री में लिखा जाएगा और आप लोगों के कारण। तो मैं ब्रदर सैमसंग जी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और खुशी फर्स्ट टाइम ब्राह्मण फैमिली से, हम दोनों, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, ये ब्राह्मण परिवार से, और जीसस से दूर दूर तक का रिलेशन नहीं था, पहली बार वो गवाही शेयर करने वाली है और वो भी उडुपी में आके, और तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा और हम लोग ने सबका स्वागत किया और मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए आप ताली बजाएं और हम लोग सब लोग यीशु मसीह जिस गधे पे बैठ के गए थे हम लोगों को वैसे ही रहना चाहिए, कभी यानी परमेश्वर के आजू बाजू भी खड़े होने की सोचना नहीं चाहिए। हम लोग जितना गधे बन के रहेंगे उतना ही परमेश्वर हमें उस बुलंदी पे लेके जाएगा जहां हमने कभी सोचा नहीं है। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, मैं पंजाबी फैमिली से हूं, तो आप लोग पहले बोलेंगे हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। उडुपी इतना है ना, कोई गिनती के लोग हालेलुया बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये कैमरे यहाँ पे जितने लगे हुए हैं ना, यीशु मसीह के कैमरे भी चल रहे हैं ऊपर से, स्वर्गदूत सब कैमरे लेके खड़े हैं, एक एक बिल्कुल क्लोज जूम, सब लोग स्वर्गदूत सेल्फी भी ले रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग इतना ही ऐसे हालेलुया परमेश्वर के लिए, मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हैं ना, प्रशांत जी के लिए बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए चिल्लाइए हालेलुया। अभी देखिए पंजाब, आप लोग जीतते के मैं जीतता हूँ, पंजाब में हालेलुया कैसे बोलते हैं आपको मालूम है? मैं बोलूंगा हाले तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी बहुत सारी गवाही, कल मैं हूं यहाँ पे, मैं अपनी जीवन की गवाही आपको दूंगा कि आज मैं जीवित हूं तो सिर्फ यीशु मसीह के कारण, और एक ही परमेश्वर है वो यीशु मसीह है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं अपने जीवन में आज मैं जिंदा हूं। मेरे पिताजी की डेथ हो गया था, मैं पागल था, कैसे मैं ठीक हुआ, यीशु मसीह ने मुझे कैसे ठीक किया, मैं कल अपनी गवाही दूंगा और वचनों के साथ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आना, तो मैं चाहूंगा खुशी कुछ बोले। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैंने परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपको चुनता है, हम लोग परमेश्वर को नहीं चुनते। मेरा नाम खुशी है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में यीशु मसीह को कोई जानता भी नहीं था, मतलब हम लोग, इवन मेरे दादा, मेरे नाना, वो लोग मंदिर में पुजारी थे तो मंदिर की देखभाल करना वो सब करते थे। और मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत सारी फास्टिंग, पूजा, ये सब करती थी। लेकिन उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका मुझे आंसर नहीं मिलता था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर की गवाही एक लाइन में अगर बोलूँ तो सिर्फ ये है कि धन्यवाद करती गई मैं परमेश्वर का, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किए। परमेश्वर को जब मैंने जाना, उसके पहले ऐसा मेरे फैमिली में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग ओके ओके ठीक थे, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए तब हम लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई है। और मैं सबसे पहले मैं साउथ की मूवी के लिए चेन्नई आई थी
और मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था, देन उसके बाद में मैं उतना कुछ नहीं जानती थी। फिर मुंबई में एक एक्ट्रेस है वैष्णवी महंत जी, तो एक सीरियल में कर रही थी, तो उन्हों हम लोग, वो मेरी मम्मी बनी थी, वो आप लोगों ने शायद उन्हें देखा होगा शक्तिमान सीरियल में, वो गीता विश्वास बनती थी। तो हम लोग जब सेट पे रहते थे तो वो ऐसे लोगों को गॉस्पल देती थी, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। फिर मैं मेरी मम्मी को लेके गई, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो जब भी आप चर्च जाते हैं, अभी जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, हम जब भी चर्च जाते सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास के द्वारा हर एक इंसान को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। ये मैंने हर बार देखा है, मैं जितनी बार चर्च जाती हूँ एक ना एक क्वेश्चंस कभी मेरे मन में रहता था और मुझे फील होता था कि अरे ये मैं क्यों फालतू इतना टेंशन कर रही थी। फिर प्रभु में आने के बाद में मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था और थायराइड हो गया था। मेरी मम्मी बहुत ट्रीटमेंट करवाती थी बट उनको कुछ आराम नहीं मिलता था। मैं उनको चर्च लेके गई, फिर वो उन्होंने चंगाई पाई। और उसके अलावा बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में, और एक सबसे बड़ी गवाही है कि एक आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत बड़ी बात है, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले हैं। इन्होंने मतलब मेरी पूरी फैमिली को मुझे और विश्वास में लाए, और मेरी पूरी फैमिली इनकी वजह से विश्वास में आई है क्योंकि मैंने इनका विश्वास देखा है। मैं 3 साल से इनको जानती हूँ, तो 3 साल से मैंने देखा है क्योंकि यह शूटिंग रहता है तो कभी 12 बज जाते, 1 बज जाते, 2-3 आफ्टरनून, कितना भी टाइम हो जाता है, बट जब तक ये बाइबल पढ़ के घुटने टेक के परमेश्वर से प्रेयर नहीं करते, ये अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। और इनका मतलब एक्सट्रीम विश्वास हम लोगों ने देखा, और इनका विश्वास देखकर हम लोग खुद भी कभी कभी प्रैक्टिकल सोचते थे कि नहीं इतना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बट हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू। तो कल हम लोग, मैं अपनी गवाही बताऊंगा कल आपसे, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या क्या किया है, मैं सब चीज़ें आपको कल शेयर करूंगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजन रिश्तेदारों के साथ आप लोग जरूर आइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। थैंक यू सो मच। हालेलुया, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे जीवन में, हर एक किसी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। मुझे विश्वास है कि जब आप यहाँ पे दिल से परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके लिए ताली बजाएंगे, तो आपकी दुख, आपका तकलीफ, जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाएगी आपके ताली बजाने से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वचन में लिखा है 2 या उससे ज्यादा कहीं भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। विश्वास करते हैं कि नहीं आप? हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है कि नहीं? हमारे बीच में उपस्थिति है। ब्रदर प्रशांत जी बोल रहे थे, मैं पहले प्रशांत जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमें, मुझे और रिबेका को, खुशी को यहाँ बुलाने के लिए, और सैमसंग ब्रदर फ्रैंक का थैंक यू सो मच हम दोनों को यहाँ पे बुलाने के लिए। हम दोनों ही प्रभु यीशु मसीह से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, ये भी हिंदू परिवार से है, और हमें यही लगता था कि जीसस जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनों के गॉड है, हिंदुओं के नहीं है, हमें ऐसे ही फील होता था, इसको भी यही लगता था, और कि कुछ नहीं कर सकते, हमें बचपन से ही जो हमने सुना था वो हमें पता था कि जीसस क्रिश्चियनों के, लेकिन जब मैंने बाइबल पूरा पढ़ा तो वहाँ कहीं नहीं लिखा है, हाँ जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहीं नहीं लिखा कि क्रिश्चियनों से प्रेम किया, उसने लिखा जगत से, इसका मतलब वो सबसे प्यार करता है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि किस प्रकार से कुछ बॉलीवुड के स्टार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। अब जिन लोगों का प्रचार आप लोगों ने सुना है, ये दोनों पति पत्नी हैं, एक है ब्राह्मण परिवार से और एक दूसरे अलग समाज से है, और दोनों ही बहुत बड़े कास्ट से मतलब आते हैं, और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये लोग एक समय पे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इनको बुलाया तो इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया।
और आज निरंतर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सत्य को जान लिया। आज हम इस संसार में देखते हैं, हमारे भारत ही की हाँ बात करेंगे, कितने ही लोग कहते हैं कि तुम्हें पैसा दिया गया है, तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तुम्हें लोभ लालच प्रलोभन तरह तरह की बातें लोग कहते हैं। लेकिन बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अगर पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करता तो शायद इतने पैसे वाले लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ना वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुना होगा कि किस प्रकार से इनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से काम किया, क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है तो वो मनुष्य की सोच से बाहर होता है, सोच से बढ़कर होता है, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग किसी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार पहुँचे हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।